पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं परीक्षित पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स में आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने प्रश्नावली 3.1 समाप्त कर दिया था। आज आपके लिए यहाँ लेकर के आया हूँ प्रश्नावली 3.2, जिसमें क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स है। आप सब मन लगा करके पढ़ा करें, वीडियो को एट लास्ट तक देखा करें, तभी समझ में आएगी। यदि अगर किसी भी कहानी को भी आधी अधूरी छोड़ दोगे तो आगे की कुछ बात ही समझ में नहीं आएंगी आप लोगों को, इसलिए वीडियो में पूर्णतया लास्ट तक बने रहा करें। इसलिए मैं कॉपी का प्रयोग कर रहा हूँ, कॉपी में लेकर के आया हूँ आप लोगों के क्वेश्चन। ठीक है, कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहा था सर उसमें दिखता नहीं है व्हाइट बोर्ड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कह रखा है प्रश्न संख्या प्रथम आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है, उनका नामकरण करना है, तो इसका आप लोग आंसर देंगे। ठीक है, इसका आंसर देंगे जब क्या हो जाएगा, कार्तीय तल में मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए कार्तीय तल है। ठीक है, ये क्या है कार्तीय तल, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये यक्ष होता है, ये आपका यक्ष डैश होता है। ठीक, ये आपका वाई होता है, नीचे की ओर होता है वाई डैश होता है। ठीक है, और ये आपका होता है मूल बिंदु, ठीक, जिनके निर्देशांक कितने होते हैं 0.0। मैंने ये भी बताया था आपको कि पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। ठीक है साथियों, तो कह रखा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो ध्यान रखना, क्षैतिज रेखा जो होती है, क्षैतिज रेखा इसे यक्ष अक्ष, और जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसे क्या कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है बच्चों, तो इसका मैं लिख दे रहा हूँ हल कि कार्तीय तल, लिख दे रहे हैं, मैं डायरेक्टली हल लिख दे रहा हूँ कि क्षैतिज रेखा को, क्षैतिज रेखा को यक्ष अक्ष, क्षैतिज रेखा को यक्ष अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं बच्चा वाई अक्ष, क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये क्षैतिज रेखा होती है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, यक्ष अक्ष से कहते हैं, ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं वाई अक्ष कहते हैं, जिसे यक्ष अक्ष को भुज भी कहा जाता है, वाई अक्ष को कोट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे की पहले के दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये दूसरा है, पहले का दूसरा, कह रखा है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो अभी मैंने बताया था, ध्यान दीजिए, ये आपका यक्ष अक्ष होता है, सॉरी वाई है, और ये आपका यक्ष अक्ष होता है, तो ये आप इसको कहते हैं यक्ष, इसको कहते हैं यक्ष डैश। जिधर डैश होता है उधर का वैल्यू ऋणात्मक होता है, जिधर डैश नहीं होता उधर का वैल्यू धनात्मक होता है। ठीक है, ए है बच्चा आपका वाई और ए है आपका वाई डैश, क्या है वाई डैश। ठीक है, तो
अब क्या कहते हैं, ये चतुर्थांश हैं। क्या हैं? चतुर्थांश। इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है बच्चा, ते चतुर्थांश हैं, इन्हें इस नाम से जानते हैं। लेकिन कह रखा है इन दो रेखाओं से बने तल, तो इन दो रेखाओं से बने तल को क्या कहते हैं? चतुर्थांश। ठीक है, तो लिख दीजिए इसका आंसर, इन दो रेखाओं से, इन दो रेखाओं से बने तल, बने तल को क्या कहते हैं बच्चा? चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश कहते हैं। ठीक, चतुर्थांश सीटी वाला सा होता है। ठीक, चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। अब ध्यान रखना इनका नामकरण, तो ये पहला चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर प्रथम के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रखा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएँ प्रतिच्छेद होती हैं। ठीक है, तो बच्चा आपको मैंने भी बताया कि जहाँ पर ये रेखाएँ किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, इसे मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कहेंगे इसका आंसर लिख देंगे, इसका सॉल्व लिख देते हैं। ठीक है, कि देखें जहाँ पर ये दोनों रेखाएँ प्रतिच्छेद करती हैं उसका क्या नाम है? तो आप लिख देंगे कि दोनों रेखाएं का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक, दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं प्रतिच्छेदित जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं प्रतिच्छेदित करती हैं उसे मूल बिंदु, उसे मूल बिंदु कहा जाता है, उसे मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक है, अब मूल बिंदु जो होता है बच्चा, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0.0 होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब आ गया आपका प्रश्न संख्या सेकंड। तो बच्चों आगे की ओर जब बढ़ते हैं, तो प्रश्न संख्या सेकंड आपके स्क्रीन पर है। कह रखा है आकृति देखकर निम्नलिखित को देखिए। एक आकृति आपके सामने दे रखा है, वो आकृति ये है, आकृति ये है। ठीक है, इस आकृति को आपको देखना है और इसी से आपको उत्तर बताना है। आकृति को देख करके आपको उत्तर बताना है। ठीक है, तो एक किताब में आपके पास आकृति दे रखा है, मैं आपको दिखा भी दूंगा यहाँ पे। ठीक है, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रखा है बी के निर्देशांक बताइए, फिर कहा है सी के निर्देशांक बताइए, फिर कहा है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, फिर कह रखा है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, फिर आगे कह रखा है कि निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, फिर डी का भुज बताना है, फिर बिंदु यच की कोट बतानी है। ध्यान रखना बिंदु यच की कोट बतानी है, तो डी का भुज बताना है, बिंदु यच की कोट बतानी है, बिंदु यल के निर्देशांक बताने हैं, और लास्ट क्वेश्चन है बिंदु यम के निर्देशांक बताना है। ठीक है, तो चलो मैं आकृति को दिखाता हूँ। आकृति को आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, आकृति जरा ध्यान से देखें। इस आकृति आपको दिख रही होगी, ये आकृति दिख रही है, इसमें कहा है बी के निर्देशांक बताइए,
तो ध्यान दीजिए बी यहाँ पर है, ये बी है, तो यहाँ पर देखो माइनस पाँच है, मतलब एक्स अक्ष पर माइनस पाँच है, वाई अक्ष पर दो है, तो पहले भुज होता है फिर कोट, भुज मतलब एक्स आएगा फिर आएगा वाई, तो माइनस पाँच कामा दो है। ठीक है बच्चों, माइनस पाँच कामा दो, तो बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, माइनस पाँच कामा दो, यही इसका आंसर हो जाएगा। सी का निर्देशांक बताना है, तो सी का निर्देशांक चित्र को देखेंगे, ठीक है, सी को देखिए, चित्र चित्र देखिए सी कहाँ है, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, सी देखो यहाँ पर है, तो यहाँ पर है एक्स अक्ष पर पाँच और वाई अक्ष पर है माइनस पाँच, तो होगा पाँच कामा माइनस पाँच, सी का निर्देशांक क्या होगा, ये होगा पाँच कामा माइनस पाँच। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, तो कह रखा है कि निर्देशांक माइनस तीन कामा माइनस पाँच द्वारा पहचाना गया बिंदु, ध्यान दीजिए आपके सामने दिख रहा है माइनस तीन कामा माइनस पाँच, तो बच्चों माइनस तीन यहाँ है और माइनस पाँच कहाँ है, माइनस पाँच आप देख रहे हैं यहाँ पे है, तो माइनस तीन कामा माइनस पाँच के द्वारा पहचाना गया बिंदु उसका क्या नाम है, तो आप लोग अपने आँखों से देख सकते हैं उस बिंदु का नाम है ई, क्या है ई, क्या नाम है ई, यहाँ पर देखो माइनस पाँच और यहाँ पर कितना माइनस तीन, ठीक, तो माइनस पाँच कामा माइनस तीन कहा था, माइनस तीन कामा माइनस पाँच, तो बिंदु ई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस निर्देशांक माइनस तीन कामा माइनस पाँच द्वारा पहचाना गया बिंदु इसका नाम क्या हो जाएगा, ई, इसका आंसर ई हो गया। ठीक, निर्देशांक दो कामा माइनस चार द्वारा पहचाना गया बिंदु, दो कामा माइनस चार इसका मतलब एक्स अक्ष पर दो, एक्स अक्ष पर दो और वाई अक्ष पर माइनस चार, तो देखो यहाँ एक्स अक्ष पर दो वाई अक्ष पर माइनस चार है, उस बिंदु का क्या नाम है बच्चा, जी, क्या नाम है, उस बिंदु का नाम है जी। ठीक है, तो उस बिंदु का क्या नाम है, जी। फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहा है डी का भुज बताइए, डी का भुज बताइए, ध्यान से देखिए यहाँ पे डी दिख रहा है, बिंदु डी कहीं लिखा है, यहाँ लिखा है, इसका भुज बताना है, मतलब ए वाली जो रेखा है यहाँ एक्स अक्ष पर भुज होता है, इसका भुज कितना है बच्चा, छ, कितना है इसका भुज, कितना है छ, और एच की कोट पूछा है, तो एच कहाँ है, यहाँ एच की कोट कितनी है, कोट इसको कहते हैं वाई एच को, तो यह माइनस तीन, कितना है माइनस तीन, तो आपका जो डी है, डी मैंने अभी डी का भुज दिखाया था, कितना है बच्चा, छ, बिंदु एच की कोट भी मैंने अभी दिखाया था आपको, किताब आप लोगों के पास है वहाँ से देख लीजिए, माइनस तीन है। फिर आपसे पूछा है कि बिंदु यल के निर्देशांक बताइए, यल ध्यान दीजिए यल कहाँ है, यहाँ ए बिंदु यल, तो यल कहाँ है पहले देखिए, बिंदु यल के निर्देशांक बताने हैं, यल यहाँ पर है, देख रहे हैं ना, यहाँ तो यक्स अक्ष पर, यक्स अक्ष पर कितना होगा भाई, जीरो होगा, वाई अक्ष पर है पाँच, तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो कामा पाँच, जीरो कामा पाँच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिंदु यल के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, जीरो कामा पाँच। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन है इसका कि बिंदु यम के निर्देशांक बताइए, बिंदु यम के निर्देशांक, अब बिंदु यम जरा ध्यान से देखिए कहाँ है, ये है बिंदु यम, कहाँ है बिंदु यम, यहाँ है। ठीक, तो बिंदु बी के यम के निर्देशांक बताने हैं आपको, तो देखो एक्स अक्ष पर माइनस तीन है और वाई अक्ष पर कहाँ है भाई, सिर्फ यम का बताना है, तो एक्स अक्ष पर माइनस तीन वाई अक्ष पर जीरो, तो क्या हो जाएगा, माइनस तीन का मा जीरो, भाई जीरो कहीं पर देखो अटैच नहीं है, इसी पर है, तो जीरो एक्स वाई अक्ष पर जीरो और एक्स अक्ष पर माइनस तीन। ठीक है, तो आपका हो जाएगा माइनस तीन कामा जीरो। ठीक है बच्चों, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग वीडियो में एट लास्ट तक बने रहा करें, वीडियो को लास्ट तक देखा करें, कोई प्रॉब्लम्स हो आप लोग कमेंट किया करें। ठीक है, तो बच्चों आज आपकी प्रश्नावली 3.2 यहीं से समाप्त होती है, अब नेक्स्ट डे पर मैं मिलूंगा प्रश्नावली 3.3 लेकर के, लेकिन आज की क्लास में बस इतना ही, आप लोग मन लगा करके पढ़ें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहें, धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए
हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।